थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। अभी लास्ट वीडियो में भी आपने शायद नोटिस किया होगा कि थोड़ा सा मेरी आँख में प्रॉब्लम चल रही है। देखिए आप, यहाँ नीचे नीचे यहाँ स्वेलिंग हो रही है, तो इस आँख में थोड़ा ज़्यादा है। तो कल मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, मुझे कुछ एलर्जी बताया डॉक्टर ने, बोला आपको कुछ एलर्जी है उसकी वजह से ये आँख में स्वेलिंग है। चलिए, सब तो चलता रहता है। अभी जस्ट मैं सब्जी काट रही हूँ क्योंकि लंच पे आएंगे, तो इसके लिए मैं सब्जी काट रही हूँ। आज मैं बहुत सालों बाद पत्ता गोभी बना रही हूँ। एक दिमाग में मेरे घुस गया था कि पत्ता गोभी खाने से कुछ, पत्ता गोभी में से पतले पतले से कीड़े टाइप के कुछ होते, पता नहीं ऐसा मैंने कहीं मैंने यूट्यूब में देख लिया था, मैसेज आते रहते हैं व्हाट्सएप वगैरह में, तो उसमें मैंने कभी देख लिया था। तो बस दिमाग में वो घुस गया था कि पत्ते गोभी में कीड़े होते, इसलिए मैंने बनाए नहीं। तो ये कल गांव की कोई सब्जी मिल रही थी तो वहाँ से पत्ता गोभी लेकर आए हैं, तो मैंने आज सोचा कि आज बना के देखूँ। ये बता तो रहे ताज़ा ताज़ा है, तो आधा मैंने काट लिया है, आधा ही बनाऊंगी। मस्टर्ड ऑयल से बना दी, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, थोड़ी सी राई डालेंगे, मेथी और लहसुन डालेंगे, कटा हुआ प्याज डालेंगे, थोड़ी सी प्याज हो जाएगी, उसके बाद तुरंत हम ये आलू और मटर डालेंगे। आलू को हमेशा तेज आँच में भूनना है, अच्छा आलू भूनता है। हमारे आलू भून गए हैं, अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर डालेंगे, हल्दी ऐड करेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला। इसमें नमक ऐड कर देंगे, गैस को धीमा करके सब ऐड करेंगे, नहीं तो हमारा मसाले जल जाएंगे। अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, फिर पत्ता गोभी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाते रहेंगे, क्योंकि मेरी कढ़ाई थोड़ा छोटी है। इसको ढाक देंगे, गैस को मीडियम में कर देंगे। तो आलू मटर पत्ता गोभी सब्जी रेडी हो गई है, देखिए ये बढ़िया से पक गई है। बीच बीच में मैं इसको कई बार चलाती रही हूँ और ये बीच में किनारे से ये देखिए और लग रहा है जैसे ऑयल छोड़ दिया है ये। तो एक मतलब जब सब्जी भुन जाती है तो एक सब्जी में शाइनिंग आ जाती है, तो वो शाइनिंग इस सब्जी में दिख रही है। तो ये हमारा सब्जी पत्ता आलू पत्ता गोभी मटर की सब्जी रेडी हो गई। इसके साथ अब मैं गर्मा गर्म, मैंने चश्मा लगाया हुआ क्योंकि आँख में थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा जोर देना पड़ रहा था, फिर मैंने सोचा चश्मा लगा लूँ। तो इसके साथ अब मैं गर्मा गर्म पराठे बनाऊंगी, पराठे के साथ ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। ये कैसा बर्तन रहता है, ये प्लास्टिक का है और बीच में इसको ऐसे लगा देते हैं। इसमें जितना आटा, इस कप से मैं आटा नापूंगी, जितना आटा रहता है उसका आधा पानी डालते हैं। जैसे मैं इसमें दो गिलास अगर आटा लूंगी तो इसमें एक गिलास पानी डालेंगे। जैसे मैंने दो गिलास ये ले लिया आटा, एक गिलास पानी डालेंगे, एक गिलास पानी डाल दें। मेरा काफी पुराना है, थोड़ा ये टूट गया है, यहाँ से इसको ऐसे लॉक कर लेंगे, ये इसके ऊपर लगा कर चलाएंगे, सब थोड़ा देर ऐसे थोड़ा देर ऐसे। देखिए सर, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, ये ऐसा
इकट्ठा हो जाता है ड्रग। ये होल बना हुआ है, इधर से थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, फिर इसको अच्छे से चला देंगे, पूरा आटा इकट्ठा हो जाएगा। रेडी हो गया, ये आटा हमारा कितना अच्छा लगा, बिल्कुल नरम सा है, जैसा चाहिए हमें वैसा आटा लगा हुआ। ये बहुत अच्छा है, इसमें हाथ भी ज्यादा खराब नहीं होते। मेजरमेंट है तो आप उस मेजरमेंट से इस आटे को लगा सकते हैं और फटाफट लग जाता है, कोई भी इसको आराम से सान लेता है आटे को, बस इसका मेजरमेंट सही होना चाहिए, नहीं तो गीला हो सकता है या फिर कट टाइट हो सकता है। इस मेजरमेंट से आटा बहुत अच्छा लगता है। बीच में घी लगा लिया था आपने देखा होगा, भी अब तवा जब गर्म हो जाएगा, ज्यादा तेज गर्म में नहीं बनाएंगे पराठा, हल्का सा जब गर्म हो जाएगा इसमें पहले थोड़ा सा घी लगा देंगे जिससे चिपके नहीं। पूरे तवा में अच्छे से घी लगा लेते हैं, लोहे का तवा है, पराठा से घी लगा दिया, पराठे को उसमें पलट दिए। जब तक दूसरा पराठा मेल लेते हैं, इसमें घी इससे मिलाऊंगी, मतलब पराठे से ही घी मिलाऊंगी, उस तरफ घी थोड़ा लगा हुआ है तो थोड़ा सा ही घी लगाएंगे। जो पराठे में एक्स्ट्रा घी आ जाता है उसको हम इसमें ले जाएंगे। जो एक्स्ट्रा घी है वो हमने इसमें लगा लिया, गैस को धीमा कर लेंगे और इस पराठे को भी बेल लेंगे। सब्जी और पराठा रेडी।